दोस्तों न्यूक्लियर बम का नाम आते ही आपके मन में तुरंत जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का तबाही का मंजर याद आ जाता होगा, जिसमें लाखों जापानी पल भर में तबाह हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर बम बनाया कैसे जाता है और इसमें क्या ऐसा मेटल उपयोग होते हैं जिसका छोटा सा गोला बड़े से स्टेट को भी जहन्नम में तब्दील कर सकता है। दरअसल न्यूक्लियर बम बनाने में मेनली दो तरह के केमिकल आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, जो कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि एटॉमिक बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम को ही क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आइसोटोप हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट होते हैं, जिनमें अगर न्यूट्रॉन को टकरा दिया जाए तो ये दोनों ही एलिमेंट बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इसी मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए 60 केजी यूरेनियम को एक सर्कुलर आकार के नॉन फिजाइल मेटल के अंदर डाला जाता है, जो किसी भी अननोन एनर्जी या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता और यह न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रक्रिया को रोके रखता है। दोस्तों अब बन के तैयार दुनिया को तबाह करने वाला ब्रह्मास्त्र।